हेलो दोस्तों, आप सबको सुई धागा विद भवानी में स्वागत है। मैं हूँ भवानी। चलो आज कुछ नया सीखते हैं। मैंने 10 नंबर का नीडल लेके धागे को गार्ड डाल दिया है। 7 लेयर्स ले लिया है मैंने। चलो अभी स्टार्ट कर लेंगे। लेस के पीछे धागे को रख के सुई को पीछे डाल के धागे को बाहर लेके आना है। धागे को बाहर लेके आने के बाद यहाँ पे एक लॉक या सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। ये बनाने के बाद यहाँ पे चैन डाल रही हूँ। 1, 2 एंड 3। कहाँ पे आता है वहाँ पे देख के लॉक करना है। देखिए अभी सुई को पीछे डाल के धागे को बाहर लेके आना है और यहाँ पे एक लॉक या सिंगल क्रोशेट बना लेना है। ये होने के बाद मैं धागे को ऐसे थोड़ा सा ऊपर उठा के ले लिया है और यहाँ पे एक बीड ले लेती हूँ। बीड को धागे में ट्रांसफ़र करके बीड को लॉक कर रही हूँ। लॉक करने के बाद सुई के ऊपर धागा लेके वी शेप में डबल क्रोशेट बना रही हूँ। दो में एक बार धागे को लेना है, दो में एक बार धागे को ले लेना है। डबल क्रोशेट मैंने बना लिया है। डबल क्रोशेट बनाने के बाद एक लॉक कर रही हूँ। लॉक करके वापस धागे को उठा के एक छोटा सा बीड लेके धागे में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। धागे में ट्रांसफ़र करने के बाद बीड को लॉक करना है। बीड को लॉक करके सुई के ऊपर धागा लेके जहाँ पे गैप है वी शेप में वहाँ पे डबल क्रोशेट बना रही हूँ। एक डबल क्रोशेट हो गया है। दो में एक बार धागे को लेना है, दो में एक बार धागे को लेना है। डबल क्रोशेट दो बार हो गया। ये तीसरी बार कर रही हूँ। फोर्थ वन डबल क्रोशेट, फिफ्थ वन दो में एक बार धागे को लेना है, दो में एक बार धागे को लेना है। सिक्स्थ वन हो गया है। ये सेवेंथ वन डबल क्रोशेट डाल रही हूँ। सेवेंथ वन डबल क्रोशेट होने के बाद कहाँ पे आता है वहाँ पे देख के धागे को लॉक करना है। सुई को पीछे डाल के धागे को बाहर लेके आई और यहाँ पे एक लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद वापस धागे को उठा के यहाँ पे एक बीड ले रही हूँ। बीड लेके धागे में ट्रांसफ़र करके बीड को लॉक कर दिया है। सुई के ऊपर धागा लेके वी शेप में डबल क्रोशेट बना लिया है। डबल क्रोशेट बनाने के बाद एक लॉक धागे को उठा के एक बीड को, छोटा बीड को धागे में ट्रांसफ़र करके बीड को लॉक करना है। बीड को लॉक करने के बाद सुई को ऊपर धागा लेके वी शेप में धागे को लेना है, डबल क्रोशेट बना लेना है। 1, 2 डबल क्रोशेट, 3, 4 सुई के ऊपर धागा लेके धागे को बाहर लेके आना है। दो में एक बार, दो में एक बार धागे को ले लेना है। यहाँ पे कितना डबल क्रोशेट आता है उतना ही डबल क्रोशेट डालना है। एक एक बार 5 डबल क्रोशेट आता है, एक एक बार 6 या एक एक बार 7, ऐसे ही करना है। और यहाँ पे धागे को लॉक कर रही हूँ। धागे को लॉक करने के बाद यहाँ पे चैन डाल रही हूँ। 1, 2 एंड 3, तीन चैन लेके कहाँ पे आता है वहाँ पे देख के धागे को लॉक कर रही हूँ। धागे को लॉक करने के बाद वापस धागे को उठा के यहाँ पे राउंड बीड ले रही हूँ। बीड में ट्रांसफर, बीड को ट्रांसफ़र करने के बाद बीड को लॉक कर दिया है। यहाँ पे वी शेप में डबल क्रोशेट बना रही हूँ। धागे को बाहर लेके आना है। दो में एक बार धागे को लेना है, दो में एक बार धागे को ले लेना है। एक लॉक करके धागे को उठा के यहाँ पे एक छोटा बीड लेके धागे में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। धागे में ट्रांसफ़र करने के बाद बीड को लॉक कर रही हूँ। लॉक होने के बाद सुई के ऊपर धागा लेके वी शेप में सुई को पीछे लेके धागे को बाहर लेके आना है। दो में एक बार, दो में एक बार धागे को ले लेना है। डबल क्रोशेट, सेकेंड वन डबल क्रोशेट, थर्ड वन, फोर्थ वन,
ए फिफ्थ वन डबल क्रोशेट, सिक्स्थ वन ए सेवेंथ वन डबल क्रोशेट है। अभी कहाँ पे आता है वहाँ पे देख के धागे को लॉक कर देना है। धागे को लॉक करने के बाद वापस सुई को उठा के धागे को उठा के धागे में ट्रांसफ़र कर लेना है बीड को। वापस सुई के ऊपर धागा लेके वी शेप में डबल क्रोशेट बना रही हूँ। होने के बाद धागे को लॉक करना है। छोटा बीड को धागे में ट्रांसफ़र करके यहाँ पे एक लॉक और यहाँ पे डबल क्रोशेट बना रही हूँ। अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको ये वीडियो थोड़ा स्पीड लग रहा है तो आप चाहे तो मेरे वीडियो के राइट साइड में तीन डॉट दिखेगा, वहाँ पे क्लिक किए तो आपको प्लेबैक का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक किए तो वीडियो स्लो करके आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पे डबल क्रोशेट बना रही हूँ। अभी कहाँ पे आता है वहाँ पे देख के लॉक कर रही हूँ। ये लॉक होने के बाद चेन डाल रही हूँ, तीन चेन डालने के बाद कहाँ पे आता है वहाँ पे देख के लॉक करना है। अभी दो चेन डाल के धागे को कट कर रही हूँ। धागे को कट करके सुई को निकालते धागे को फैब्रिक की ओर लगा के चिपका देना है। जहाँ पे गैप या चेन दिख रहा है वहाँ पे कुछ डालने के बाद कैसे दिखता है मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे 70 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड ले ले या है कुछ के लिए। आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे चैनल में कोई पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।